नमस्कार, लगातार लाइव में स्वागत है आपका। कोरोना संक्रमण को कंट्रोल करने के लिए झारखंड सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को 3 तारीख तक के लिए बढ़ा दिया है और हम अभी दुमका के मेन रोड में हैं। हमारे साथ यहाँ के व्यवसायी खड़े हैं। जिस तरह से सरकार ने फिर से लॉकडाउन जो आंशिक लॉकडाउन है उसको बढ़ा दिया है 3 तारीख तक, कैसा लग रहा आप लोगों को? ये तो अभी तो कोरोना का सिचुएशन हमारा झारखंड में, हमारा दुमका में बहुत कम हो रहा है, बहुत कम हो गया है। और इतना दिन दुकान बंद करने के बाद में 4-5-7 किस्म का जो दुकान है, रेडीमेड है, कपड़ा है, बर्तन है, ये सब है, कम से कम ये दुकानदार को भी सरकार को ध्यान में रखना चाहिए कि ये सब का बाल बच्चा या ये सब का रोजी रोटी कैसे चलेगा। सब कोई तो पैसा वाला कोई तो नहीं है, रोज कमाने खाने वाला, महाजन से माल लाया बेचा किना दिया, लेकिन इस परिस्थिति में दुकानदार क्या करेगा जिसके घर में खाने का नहीं है। बहुत सा दुकान अभी 1.25 महीना से 22 तारीख से लॉकडाउन लगा हुआ है। अब दुकान में हम लोग का कपड़ा का दुकान है, हम लोग आज तक एक चाबी नहीं खोले। अब मूसा काट रहा है कि पानी से भिंज रहा है दीवार से, ये तो हम लोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब सरकार को कुछ आदेश देना चाहिए कि कौन चीज़ बोलता है ये सबको कुछ 2 घंटा के लिए, मतलब कि खोलने के लिए 2 घंटा खोलने के लिए हम लोग को भी छोटा दुकानदार को जो है मतलब कि आदेश देना चाहिए। 2 घंटा बेसी नहीं, 2 घंटा खोलने से क्या होगा कि जो भी आदमी है ले दे करके अपना चले जाएगा। लेकिन इस तरह का है कि बंद कर दिया है, बाजार में कुछ बिक भी रहा है, नहीं बिक रहा है, जो नहीं बेच रहा है उसको दिक्कत बुझा रहा है। दिक्कत है लोगों को इस बार का जो बढ़ाया गया है। हमारे साथ और भी कुछ लोग मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? जी मेरा अनुपर मंडल। क्या करते हैं? हम वर्कर हैं। तो आप लोगों का काम धंधा चल रहा है? नहीं सर, बैठे हुए हैं, 1 महीना से बैठे हुए हैं। चाहते हैं कि दुकान खुले 2 घंटा के दरमियान में, जो भी बिका होगा जो हमको भी मुआवजा मिलेगा। आप लोग का भी काम ठप है, पैसा नहीं मिल, पैसा मिल नहीं रहा है। आपका क्या नाम? बंदी है सर, मोहम्मद जुबैर मेरा नाम हुआ जी। आपका क्या काम? टेलर का काम है सर। कंटिन्यू 22 तारीख से जो बंद है तो हम लोगों को परिवार में थोड़ा आर्थिक स्थिति बिगड़ा हुआ है, जिसके कारण से थोड़ा परेशानी का दिक्कत करना पड़ रहा है। प्रशासन को चाहिए सब कुछ देखते हुए भी कुछ और ध्यान देना चाहिए, इस पर भी, इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए, बस यही बोलेंगे। मेरा नाम मोहम्मद जुबैर। दुकान बंद है, सैलरी मालिक कहाँ से देगा? दुकान जब खुली हुई नहीं है। क्या नाम है? सुबह प्रताप साहब। लॉकडाउन को 3 तारीख तक बढ़ा दिया गया है, लगातार प्रशासन के लोग बाजार बंद करा रहे हैं, कितना दिक्कत हो रहा है आप लोगों को? तो हम लोग तो स्टाफ है, काम कर रहे हैं, तो मालिक पैसा नहीं दे रहा है। अगर दुकान नहीं खुल रहा है तो पैसा कहाँ से देंगे? हम लोग को तो अपने दिक्कत हो रहा है, कहाँ से देगा? बिक्री नहीं हो रहा तो दुकान ही नहीं खुल रहा है ना। खाली लॉकडाउन पे लॉकडाउन बढ़ते जा रहा है। लॉकडाउन से स्थानीय बाजार पे इसका असर पड़ा, दुकान नहीं खुल रहे हैं, जिसकी वजह से स्टाफ को भी पैसा नहीं मिल रहा है। और इनकी मांग है कि अब लॉकडाउन को हटा दिया जाए, सरकार जो है एक मौका दे और इस लॉकडाउन को जितना जल्द हो रोके। लगातार के लिए दुमका से रूपम किशोर सिंह। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।